दिखाई दे रहा है आज ये जिनकी जो मीटिंग हो रही है हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट की ओर से बुलाई गई है और मैनिफेस्टो के सुझाव के लिए पूरे प्रदेश में मैनिफेस्टो सुझाव की मीटिंग हो इसके लिए किया गया है। साथ साथ एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो संविधान है उसका सम्मान का भी जो है कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बना है उसके लिए भी आज की मीटिंग रखी गई है। आज की मीटिंग में कई बिंदु पर चर्चा हुए दलित समाज का जो एक एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस पार्टी की ओर से उसमें लिए कम से कम 50 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने सुझाव गीता मुखर्जी चेयरमैन जो कमेटी उसके सामने रखे और ये सभी जो सुझाव हैं उसका आकलन करते हुए मैनिफेस्टो कमेटी उसका जो कुछ भी सोल्यूशन देंगे वो लेके फिर से लोगों के बीच में अगले माह की शुरुआत से अगले माह के सेकंड वीक से लोगों के बीच में जाएंगे। आज यहाँ एक वो भी निश्चय किया गया कि जो कल परसों जो चंडीगढ़ में हरियाणा मांगे हिस्सा उसमें जो एससी समाज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो वचन दिए थे उसका भी जवाब मांगेंगे और उसके लिए भी जो है ये डोर टू डोर कैंपेन में भी हम आपको जोड़ेंगे। हर क्षेत्र में जाके मैनिफेस्टो के सुझाव की भी छोटी मोटी मीटिंगें जो है उसको भी प्रस्तावित किया है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में भैया बाद में बात करूँगा पूरे प्रदेश में जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है 400 पार का नारा देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान को पलट देना चाहते हैं बदल देना चाहते हैं संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये देश की प्रजा ने तानाशाही को रोक तो दिया मगर आज की डेट में भी जो है ये परास्त नहीं हुआ है जख्मी हुआ है तो ये इसके लिए भी प्रजा को जागृत करने के लिए आज ये मीटिंग से एक नारा उठा है कि संविधान के गद्दारों को एक धक्का हो। सर हरियाणा के अंदर लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस को 5 भाजपा को मिली है विधानसभा में क्या देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ भी 50-50 हो जाए और फिर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा 70 से भी ज़्यादा सीटें मिलेगी कहीं लिखना है तो लिख के रख लो। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर का प्रयास करती है जी लोगों को बुला बुला के अलायंस करके बी टीम अपनी खड़ी करती हैं ये अभी जो अलायंस हुआ है इन्हें लोग का और BSP का वो भी जो है BJP की बी टीम के तहत काम करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी जो है इन्होंने BSP का इसी प्रकार का इस्तेमाल किया था। मैं समझ रहा हूँ कि आज जो परिस्थिति है लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोग भी समर्थन करते हैं वो कौम के दुश्मन हैं देश के गद्दार हैं संविधान के गद्दार हैं और ये जो है ये इसी प्रकार के बी टीम खड़ी करने से भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मैं कोई ज्योतिषी में नहीं जाना चाहता मगर आपने देख लिया होगा तुषार से वो 7,000 वोट की आपको डेफिसिट दे पाई वो हर पोस्टर पर संविधान के लिए आपने बात भी भाषण में बात की संविधान को बचाना है तो BJP को भगाना तो ऐसे में जो किरण चौधरी उन्होंने बयान दे दिया कि ये जो हमने बोला था ये हमारा एक फैलाया हुआ प्रचार था उनका वीडियो भी वायरल हो गया। वो कुछ भी बोल रहे हैं पार्टी में से जाने के बाद लोग कुछ भी बोल देते हैं मैं इसको कोई संज्ञान नहीं। आपने संगठन के गठन का काफ़ी प्रयास किया कांग्रेस में लेकिन वो नहीं हो पाया क्या कारण मानते हैं और क्या अब भी संभावना है? मैं समझ रहा हूँ खड़गे साहब कल आ रहे हैं वो कोई ट्रीटमेंट में थे जी कल आ रहे हैं वेणुगोपाल जी भी आ जाए हैं उम्मीद है कि 2-4 दिनों से कोई मीटिंग होगी कोई सोल्यूशन प्रभारी जी कल 3 बदमाशों के एनकाउंटर है सोनीपत में उससे पहले कांग्रेस BJP पर लगातार हावी थी कि हरियाणा में जंगल राज हो गया अब एनकाउंटर शुरू हो गया एक बदमाशों को विदेशों से पकड़ के ला रही है क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणवी कम समझता हूँ बहुत स्पीड से बोले थोड़ा धीरे से सोनीपत में हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर किया है 3 बदमाश मारे गए हैं इससे पहले कांग्रेस BJP पर लगातार हावी थी कि हरियाणा में जंगल राज है इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में जंगल राज में आपको कोई शंका है जिसका मंत्री महिलाओं के उत्पीड़न का आरोपी हो जिसके स्टेट की CID ने उसके सामने का FIR को क्लियर किया हो फिर भी ये प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि न तो हम उसके सामने एक्शन लेंगे न इस्तीफा लेंगे न तो उसके सामने कोई जांच करेंगे और 6-6 महीने तक उसको मंत्रिमंडल में रख के सुरक्षा दिया वो जंगल राज से कम है आपकी महिलाओं की बेइज्जती करें पहलवानों को जाहिर में घिसेटें वो जंगल राज से कम है। आज जो प्रकार से पूरे प्रदेश में पलायनवाद चल रहा है जो प्रकार से नौकरियाँ खत्म हो रही है पोर्टल का दुरुपयोग हो रहा है वो जंगल राज से कम
पार्टी का पार्टी को लेकर क्या कहोगे जी? पार्टी के पार्टी का कार्यक्रम होता है तो ऐसा क्या गुट के अंदर लोग खड़े मिलते हैं कुछ कह रहे हैं वो? मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं अनिल विज सर क्यों इनके कोई कार्यक्रम में नहीं की? आपने पूछा उनसे? देखिए राजकीय पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा छोटे मोटे होते हैं, उसमें पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने अपने भी ये इलेक्शन के चुनाव के नतीजे भी देखे हैं, पूरी पार्टी है। बावरी जी, एमके बावरी जी, आपकी खुद आज इस कार्यक्रम में तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। बावरिया जी बतौर प्रभारी कैसे सभी जाति धर्मों के लोगों के हितों की रक्षा कर पाएंगे टिकट वितरण के दौरान? टिकट वितरण के दौरान भी करेंगे और उसके बाद भी करेंगे। इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो आज मैं राहुल गांधी जी में भी देख रहा हूँ और मेरी भी सोच कहीं इससे शायद नज़दीक है और हरियाणा के लीडरों में भी उसके लिए प्रतिबद्धता मैं देख रहा हूँ। सर जी, कांग्रेसी अक्सर आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि वो जब भी चुनाव आता है तो भाजपा जात पात का गेम करती है, तो ऐसा तो नहीं विधानसभा में भी भाजपा कुछ ऐसा करे और कांग्रेसी उनकी काट ना कर पाए? वो कुछ भी कर लें, इंजन बदल दें जी, डिब्बे बदलते हैं, इंजन नहीं बदलते, दोनों इंजन में खराबी है, उसकी नीति खराब है, उसका प्रशासन खराब है, उसकी नीयत खराब है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई हाथ कंडा जो है उसका कोई नतीजा नहीं है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को कहाँ देखते हैं, जैसे कि जिसे BNLO ये पार्टियाँ हैं इनको कहाँ देखते हैं क्षेत्रीय दल? मुझाने उनका स्थान दिखा दिया है। राहुल गांधी जी ने बावरिया के रूप में गुजराती को गुजराती के चाल से हरियाणा को जीतने का प्रयास है। राहुल गांधी जी के साथ सालों से काम करता हूँ। सीएम चेहरे को लेकर पार्टी में चर्चा नहीं बनी, उसको लेकर क्या कहूँगी? सीएम चेहरे फिर से सीएम चेहरे को लेकर पार्टी में चर्चा बनी से कुमारी सेलजा? मैंने आपसे वहाँ अभी चंडीगढ़ में भी कहा था, यहाँ फिर से आप पूछ रहे तो दोहरा रहा हूँ कि पार्टी में भी ऐसी कोई सोच नहीं कि चेहरे सीएम का कोई चेहरा। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू सर।